अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होम डायरी अवेयरनेस ऑफ स्प्रिंग सीजन 7। दोस्तों, आज अगस्त की एक बहुत ही ठंडी और खूबसूरती मॉर्निंग है। काफ़ी तेज़ बारिश के बाद अब आप सब मेरे गार्डन में मौजूद हैं और मेरी नज़रें ज़मीन पर जमी हैं और मैं यहाँ कुछ ढूंढ रही हूँ। लीजिए, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और मुझे बहुत ही खूबसूरत सा स्नेल मिल गया है। ये एक बहुत ही क्यूट सा रियल स्नेल है। इसको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। शायद मैंने इसको फर्स्ट टाइम शेल से बाहर देखा है। स्नेल के बारे में कहा जाता है कि द स्नेल इज इनक्रेडिबली पावरफुल, सो पावरफुल दैट इट कैरीज इट्स हाउस ऑन इट्स शोल्डर्स वेयर इट गोस। इसके हेड के ऊपर इसके दो शेल फोन्स हैं जिनके साथ ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। स्नेल को जैसे ही मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ है, इसने अपने शेल फोन को और अपने हेड को अपने प्रोटेक्टिव शेल के अंदर महसूस कर दिया है। इसका शेल बहुत हार्ड होता है। लगता है कि ये स्नेल रेन में अपनी फैमिली से बिछड़ चुका है। अब मैं इसकी फैमिली ढूंढने में इसकी मदद करती हूँ। यकीनन इसकी फैमिली भी इधर उधर कहीं मौजूद होगी। थोड़ी सी तलाश मिसार के बाद यकीनन हम उसको ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे। अब हम इस स्नेल को किसी साइड वाली जगह पर रख देते हैं। जैसे ही इसकी फैमिली हमें नज़र आएगी, हम इस स्नेल को इसकी फैमिली के साथ रख देंगे। इसको एक ड्राई लीव के ऊपर डालकर किसी महफूज सी जगह पर हम रख देते हैं। हम जल्द ही इसकी फैमिली को ढूंढ लेंगे। इसकी फैमिली यकीनन किसी महफूज जगह पर होगी क्योंकि रेन काफ़ी तेज़ थी। गार्डन में पत्ते इधर उधर बिखरे पड़े हैं और रेन के बाद लीव्स बहुत ही स्प्लेंडेड सी दे रहे हैं। ये हमें इसकी फैमिली मिल चुकी है। ये क्यूट सी स्नेल फैमिली दरख्त के तने के ऊपर बारिश से बचने के लिए बैठी है। ये दरख्त का एक तना है। ये सब छोटे बड़े स्नेल इसके ऊपर बैठे हैं। कुछ स्नेल तने के साथ लटके हुए हैं, कुछ इसके ऊपर बैठे हुए हैं। इसके अंदर क्रैक्स भी हैं। ये यकीनन ये इन क्रैक्स के अंदर रहते होंगे। सब स्नेल बेखौफ बैठे हैं क्योंकि इनके शेल फोन और इनके हेड इनके शेल से बाहर हैं। लेकिन जैसे ही इन्हें मैं एक तिनके के साथ टच करती हूँ, ये सब अपने प्रोटेक्टिव शेल के अंदर महसूर खुद को कर लेंगे। ये देखें, जिस स्नेल को भी मैं तिनके के साथ टच करती हूँ, वो अपने शेल फोन्स को अपने प्रोटेक्टिव शेल के अंदर छुपा लेता है। अब चूंकि हमने स्नेल फैमिली को ढूंढ लिया है, इसलिए अब हम अपने उस स्नेल को ले आते हैं ताकि वो अपनी फैमिली को ज्वाइन कर सके। तकरीबन सब स्नेल को मेरी मौजूदगी का एहसास हो चुका है, इसलिए सब अपने अपने प्रोटेक्टिव शेल के अंदर जा चुके हैं। बारिश फिर से होने लगी है, इसलिए मैं ये आ गया है वाला स्नेल। इसको हम इसकी फैमिली के साथ छोड़ते हैं ताकि ये भी अपनी फैमिली के साथ मिल जाए। ये क्यूट सा स्नेल भी इस वक्त अपना हेड अपने शेल के अंदर छुपा चुका है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।